सैमसंग का मोबाइल FRP बाईपास करने के लिए दोस्तों यहाँ पर चार्ज में लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों मशीन में 1.1 से 1.2 लेगा, उसके बाद दोस्तों पिन को इंटर करके सक्सेसफुली अनलॉक। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों सैमसंग का फ़ोन में दोस्तों इस तरह से FRP लगा के आप भूल गए, FRP आपको पता नहीं है, आपको जीमेल लॉक लगा गए हैं, जीमेल लॉक आपको पता नहीं है, तो कैसे अनलॉक करना है FRP को, तो इसको आपको एक एक स्टेप को आपको यहाँ पर मशीन के साथ प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरह से सैमसंग का फ़ोन में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर FRP आपको यहाँ पर पता नहीं है, जीमेल, तो जीमेल को आपको यहाँ पर नहीं डाले बिना आपको यहाँ पर कैसे करना है, तो आपको मशीन में यहाँ पर चेक करना है कि आपका मोबाइल 1.1 से 1.2 आपका यहाँ पर एम्पियर ले रहा है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर करने के बाद इसको कैसे आपको यहाँ पर चार डिजिट का आपको यहाँ पर पिन आपको यहाँ पर सेट करना है और कैसे अनलॉक करना है बताते हैं। इस तरह से स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर चेकबॉक्स जो मिलेगा इसको टिक करके जो है आपको यहाँ पर एग्री इस तरह से कर देना है। एग्री यहाँ पर कर देंगे। एग्री करने के बाद जो है फिर से यहाँ पर एग्री का ऑप्शन आएगा, इसको एग्री कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन में यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद दोस्तों कुछ देर के बाद जो है आपका जेटिंग फोल्ड योर रेडी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पर बैक करना है, इस तरह से बैक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा आपको यहाँ पर जो होम पेज में था आपको चार्ज में लगा हुआ रहेगा और आपका होम पेज जो है होम पेज में आपको यहाँ पर जाना है, इसको अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है होम पेज, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। होम पेज में यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरह से जो वेलकम का है, वेलकम का साइन यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चार्ज में लगा हुआ होने के साथ ही आपको यहाँ पर करेंगे। और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि स्टार है जीरो, स्टार है जो है आपका यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इस तरह से स्टार है जीरो, स्टार है जो है आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो इस आपको यहाँ पर कैसे करना है देख सकते हैं, वहाँ पर 1.1 से 1.2 जो है यही आपका यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से एक बार बैक बटन को प्रेस कर लेंगे। बैक बटन को यहाँ पर प्रेस यहाँ पर करने के बाद हम लोग का जो है यहाँ पर वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, सिर्फ इसी को दोनों को एक साथ आपको यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। दोनों को यहाँ पर एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यूज का जो ऑप्शन है, यूज का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से यूज का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर से आपको यहाँ पर दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। आपका जो है कुछ देर के बाद जो है आपका यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर टॉलबैक का ऑप्शन जो है, टॉलबैक का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। टॉलबैक का ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको टॉलबैक का ऑप्शन आने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है उल्टा एल, उल्टा एल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक बार में नहीं आएगा तो दो से तीन बार करेंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा। यूज यहाँ पर सिंगल टैप करना है, यूज बहुत सिंगल में यहाँ पर सिंगल टैप और यहाँ पर डबल टैप, और यहाँ पर ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल असिस्टेंट आपको यहाँ पर बोलना है। उसके बाद आपका यहाँ पर नया इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉलबैक को ऑफ कर देना है, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके, इसको प्रेस करके रखेंगे, टॉलबैक यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको सर्च में यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब आपको यहाँ पर सर्च करना है, ओपन यूट्यूब आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों। इसको यहाँ पर सर्च करने के बाद ओपन यूट्यूब आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है और सर्च यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ देर के बाद जो है आपको इस तरह से यूट्यूब का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको लोगों में यहाँ पर जाना है और आपको सेटिंग जो है सेटिंग में आपको यहाँ पर जाना है। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको अबाउट का जो ऑप्शन है, अबाउट में आपको यहाँ पर जाना है। इस तरह से अबाउट में जाएंगे, उसके बाद आपको यूट्यूब टर्म एंड सर्विस जो है यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉट हैंक्स में आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। इस तरह से नॉट हैंक्स में हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देंगे। नॉट हैंक्स में प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है VNROM बाईपास जो है इसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसको यहाँ पर सर्च करते के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है दूसरा पेज आपको खुल जाएगा, सबसे ऊपर वाला बाईपास गूगल अकाउंट 2024 जो है इसको आपको यहाँ पर कर लेना है। इसको यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। इसको करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पर खुल जाएगा, इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो स्क्रीन स्मार्ट लॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीन स्मार्ट लॉक में आपको यहाँ पर जाना है। स्क्रीन स्मार्ट लॉक में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर पिन में सेलेक्ट कर लेना है और आपको जो आसानी से याद रहे वो आपको यहाँ पर पिन इंटर करना है, आसानी से याद रहे वो पिन आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इस तरह से ओके यहाँ पर कर देंगे। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपका आ गया, तो 100% जो है ट्रिक यहाँ पर वर्क कर गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्किप यहाँ पर कर देंगे। स्किप यहाँ पर करने के बाद हम लोग का जो है बैक यहाँ पर इस तरह से बैक आ जाएंगे। बैक यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो होम पेज है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो ट्रिक है इसको अप्लाई कर चुके हैं।
उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाके यहाँ पर जो है कोड को हम लोग अप्लाई करेंगे स्टार हैच उसके बाद दोस्तों 09836 9 हैच स्टार 09 हैच ये कोड को प्रेस करेंगे दोस्तों। कॉलिंग बटन को प्रेस करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह से बैक बटन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे स्टार्ट को प्रेस करेंगे यहाँ पर एग्री इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर आपको एग्री इस तरह से कर देना है। एग्री यहाँ पर करने के बाद जो है फिर से आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद जेटिंग फोन यूर रेडी इस तरह से आपके पास देखने को मिलेगा। इसको आपको यहाँ पर कुछ देर इंतजार करेंगे। आपको यहाँ पर डोंट कॉपी का जो ऑप्शन है इसको आपको प्रेस कर देना। डोंट कॉपी का ऑप्शन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है आपके पास चेकिंग इन्फो का जो ऑप्शन है चेकिंग इन्फो का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चेकिंग इन्फो का ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है इस तरह से जो मेल आईडी है मेल आईडी जो यहाँ पर पता नहीं था वो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो स्किप का ऑप्शन है स्किप का ऑप्शन यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अगर स्किप यहाँ पर कर देंगे स्किप यहाँ पर कर देंगे स्किप यहाँ पर करने के बाद गूगल सर्विस जो आएगा इसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। गूगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों जेटिंग फोन यूर रेडी आपका यहाँ पर फिर से आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा। और कुछ देर के बाद जो है आपका अगला ऑप्शन आएगा प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा। प्लीज़ वॉट वेट का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर आगे में क्या करना है आपको यहाँ पर आगे में बताते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर कुछ देर के बाद जो है अगला जो ऑप्शन आएगा अगला ऑप्शन में आपका ऐप्स वगैरह जो है उसको आपको यहाँ पर आएगा। इस तरह से जो ऐप्स है तो इस सबको आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पर लेके चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्किप का जो ऑप्शन है दोस्तों सैमसंग अकाउंट ये भी आपका यहाँ पर स्किप हो जाएगा। उसके बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा। फिनिश का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें और पूछेगा जो आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपका कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मेल फीमेल पूछेगा। इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे। मेल फीमेल में आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइज योर फोन आपको यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इस तरह से कंटिन्यू करना है। फिनिश में आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे। फिनिश में अगर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर इस तरह से नहीं जा रहा है आगे यहाँ पर इस तरह से नहीं जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आगे नहीं जाने के बाद आपको नहीं करना है आपको यहाँ पर पावर ऑन बटन को प्रेस कर देंगे और इस तरह से ऑन कर देंगे। ऐसे यहाँ पर आगे चल गया था लेकिन आपका जो पिन है आपको पिन को आपको यहाँ पर एक बार इंटर कर देंगे तो आपका सही से जो है FRP यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। इस तरह से प्रेस कर देंगे और देख सकते हैं आपका तुरंत जो है FRP यहाँ पर बाईपास हो चुका है और 100% आपका